बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लैम की कढ़ी और मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। सबसे पहले मैंने लैम लिया है 1 किलो। उसके बाद उसमें जाएगा ओनियंस, टमेटो और घी तोरी, और उसके बाद जिंजर गार्लिक, करी पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और ये साबुत मसाले, मेथी, मोटी इलायची, तेज़पत्ता, और मैं इसको बटर के साथ बनाऊंगी। बटर जाएगा और उसमें एक मैं आलू भी डालूंगी। और सबसे पहले मैं गोश्त को उबाल लेती हूँ। एक मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए, ये मेरा पानी उबल गया, 2 ग्लास मैंने पानी के लिए थे। और अब इसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक बॉयल आ जाए तो इसको, इसका जो पानी है ना, हम निकाल देंगे और फिर इसमें सारे मसाले डालकर फिर इसको हम पकाएंगे। अब मैंने गोश्त को उबाल लिया है, उबालने के बाद इसको छान लिया है और अब मैं इसे, पानी मेरा गर्म हो गया है, मैंने 2 ग्लास पानी लिया था। अब मैं गोश्त को इस पानी में डाल दूंगी और अब जो मसाले मेरे थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने टमाटर, प्याज और ये घिया तोरी है, इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गार्लिक और जिंजर, मैंने इनको काटा है, मैंने इनका पेस्ट नहीं बनाया, ये इसी तरह गल जाएंगे। पानी गर्म होना चाहिए, गर्म पानी में फिर जल्दी से गोश्त गल जाता है। अब मैं इसमें ये सूखे मसाले, मेथी, दालचीनी, 2-3 लौंग मैंने लिए थे और 2-3 मिर्च, काली मिर्च ली थी, और थोड़ी सी मेथी 1 स्पून, और अब मैं इसको भी इनमें डाल दूंगी। ये बहुत आसान सी रेसिपी है। और अब ये करी पाउडर और नमक, 2 स्पून मैंने करी पाउडर लिया था और 1 स्पून नमक लिया था, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये सूखा धनिया और गरम मसाला, ये मैंने मिक्स गरम मसाला नहीं है, उसको मैंने पीस के ना खुद बनाया हुआ है, सब मसाले डाल के इसको पीसा हुआ है। ये एक चम्मच धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन सब को डाल के और इसको ढक दे जब तक बॉयल ना आए, और बॉयल आएगा और इसको फिर चेक करते रहें। और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बटर और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच दही, दही आप कोई भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी। अब हमारा गोश्त देखें उबलने लग गया है, अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। देखिए मैंने टमाटर इसी तरह बड़े बड़े काटे थे, ये गल जाते हैं गोश्त में। और प्याज, लहसुन, लहसुन को आप काट कर डालें ना, उसकी स्मेल, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जब ये गोश्त गलेगा ना, ये कुछ भी नहीं नज़र आएगा, सब गल जाएगा। अब मैं चेक करने लगी हूँ कि हमारा गोश्त पानी जस्ट हुआ है, नहीं देखे, ये पानी सारा जस्ट हो गया है और मसाले सारे गल गए, थोड़े थोड़ा फर्क है इनमें। अब मैं इसमें डालती हूँ दही और
बटर, ये हाफ टिक्की थी बटर की, ग्रीन चिलीज एक, और अब इसको मैं मिक्स करके फिर इसको कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए। अब मैं चेक करने लगी हूँ कि कहाँ तक, बिस्मिल्लाह। देखिए हमारे गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है, माशाल्लाह। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया, और उसके बाद मैं डालूंगी आलू। आलूओं को मैंने पानी में डाल दिया था कि उनका रंग ख़राब ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको डाल के इनको 3 से 4 मिनट के लिए पका ले। देखें, अगर आप चाहें तो आप इसी तरह भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा बनाऊंगी, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं, और उसके बाद इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक लेती हूँ, इसको ढक लेती हूँ, और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहें के साथ सालन ना लग जाए अंडी के। अब फिर इसको चेक करती हूँ, देखिए सब कुछ इसमें गल गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये जो बड़ी अंडी होती है इसमें अच्छी तरह ये अच्छी अंडी पकती है, अगर छोटा बर्तन हो तो उसमें सही अंडी नहीं पकती। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और उसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। हमारा गोश्त पहले से ही गला हुआ है, क्योंकि ये लैम का था छोटा गोश्त, और जो शीप का होता है वो टाइम लेता है, और ये जल्दी गल जाता है। ये 1 घंटे में और 50 मिनट में आपकी अंडी तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 ग्लास पानी के डालूंगी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब इसको मिक्स कर लें और थोड़ी देर के लिए इसे पकाएं। ढक के उसे पकाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। अब देखें ये हमारी अंडी तैयार हो गई है। अब इस चूल्हे की आंच थोड़ी सी करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रहने दें, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब मैं चेक करती हूँ, माशाल्लाह देखें बटर सेपरेट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, और इसको आप मिक्स कर लें, और अब आप मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी लैम कड़ी तैयार हो गई है, और मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं। आप ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप
को बहुत पसंद आएगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।